सुनो, तुम्हें हॉस्पिटल में आने के लिए मना किया गया है ना, तो फिर से क्यों आई हो यहाँ पर? शट अप, आप चलिए। मालकिन, मेरी एक ही बेटी है, अगर इसकी आंख चली गई तो मैं क्या करूंगी? मालकिन, कुछ करिए मालकिन। आप यहाँ बैठ जाइए, मैं सब संभालूंगी। ये थर्ड फ्लोर पर भेज देना, मैं अभी आता हूँ। यहाँ बैठ जाइए। ठीक है मालकिन। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर दामोदर कहाँ मिलेंगे? पता नहीं। इस तरह से कोई बात करता है क्या? लेफ्ट आई की बजाय राइट आई का ऑपरेशन कर दिया उन्होंने। मुझे अभी डॉक्टर दामोदर से मिलना है। आप चिल्लाएंगे तो मैं डर जाऊंगा क्या? अंदर जाके पूछिए। रिडिकुलस। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकता। मैं यूएस में जाकर के सेटल हो जाऊंगा। मैंने एप्लीकेशन वगैरह सब रेडी कर लिया है। बस पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर दामोदर कहाँ मिलेंगे? बात कर रहा हूँ ना, थोड़ा रुकिए। तो फ्रेंड सर्कल से आप रेडी कर सकते हैं। कैसे भी करके अरेंज करिए। सारे एविडेंस मेरे पास है, मैंने छोड़ूंगी नहीं। तो क्या कर लोगे तुम? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। डॉक्टर दामोदर कहाँ हैं? डॉक्टर दामोदर ना, इस हॉस्पिटल के किसी कोने में पड़े होंगे। जाओ ढूंढ लो, जाओ। जाओ। इडियट। जाओ ना। तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? बोलो। तुम लोग कभी खुश नहीं रह पाओगे। मेरी हाय लगेगी तुम्हें। गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरी बच्ची, बेटा, मैं अपनी बेटी की बाएं आंख का ऑपरेशन करवाने इस हॉस्पिटल में आई थी, लेकिन इन्होंने दाएं आंख का ऑपरेशन कर दिया। ऐसा क्यों किया? इन लोगों ने पूछ नहीं तो जवाब नहीं दे रहे। अब मैं क्या करूं? बताओ बेटा, मैं क्या करूं? डॉक्टर का नाम क्या? उस शैतान का नाम डॉक्टर दामोदर है। मेरी बेटी। सुनो, डॉक्टर दामोदर कहाँ मिलेंगे? नहीं पता है, चल। सब लोग आके मेरा ही सर खाते हैं। डॉक्टर दामोदर कहाँ मिलेंगे, बताओ? वो अंदर है सर। देखो, ये सब तो छोटी सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये तो उनकी तकदीर है डॉक्टर। रुको ना भाई। अच्छा, वो जो पेशेंट है ना, उसे दूसरी जगह। डॉक्टर दामोदर कौन है सर? हम बात कर रहे हैं ना, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? रुको थोड़ी देर। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि उस पेशेंट को मैंने आपसे पूछा डॉक्टर दामोदर कहाँ है। डॉक्टर दामोदर कहाँ है मुझे खुद नहीं पता, खुद ही ढूंढ लीजिए। आप हमें बात करने दीजिए, जाइए यहाँ से। अरे आप जाओ ना। बात सुनो, वो क्या है? हाँ। अभी वो खुद आए। ये क्या चल रहा है? कौन है रे तू? आई एम डॉक्टर दामोदर। उस बच्ची की आंख का ऑपरेशन तुमने किया? हमारी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी बोलने से बात खत्म हो जाती है? कल उस बच्ची की जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बोलो डॉक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बजाय अच्छी ट्रीटमेंट मिलने की आस लेकर अपनी सारी जमा पूंजी लुटाकर लोग यहाँ आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, ताकि उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज मिले। क्या यही उनका कसूर है? जवाब दो डॉक्टर। हमसे गलती हो चुकी है, पर हम उस लड़की की आंखों की रोशनी लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए हम कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं। सुनिए, आप बच्ची को दोबारा एडमिट कीजिए। आप अंदर आइए माँ जी। मेरी बेटी की आंखों की रोशनी आ जाएगी। बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। बस आपकी बेटी ठीक हो जाए, यही मेरे लिए बहुत है। डॉक्टर साहब, सॉरी। चिंता मत कीजिए माँ जी। ठीक, माफ कीजिए। आइए। बिरयानी बनाने वाली चीजें बस में सफर करने लगी हैं। पूरे गांव में बदबू फैल गई है। बस इतनी क्यों हिल रही थी, अब समझ में आ रहा है। क्या हुआ, तुम लोग बस में नहीं चढ़ोगे क्या? बकरियों वाली बस में इंसान कैसे सवारी करेगा? तुम लोगों के लिए आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान को लेके आओ क्या इस बस में? इस गांव के लिए यही काफी है, चलो बस में। हे, अगर मेरी बस में चढ़ोगे तो मिनी क्वार्टर मिलेगा, साथ ही चकना, और वैसे भी आज शनिवार है तो शकीला की फिल्म दिखाऊंगा। फिल्म का नाम है सुपर मामी। क्या बात कर रहा है ये? अपने राजा की बस आ रही है।
कैसी अरे है? पहले अपना थोबड़ा देख। अरे बाप रे, क्या कॉलेज जा रही है? नहीं, शौचालय जा रही हूँ, अपना काम कर। अरे सवाल के जाने तो रेट पड़ जाएगा। जा 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 जा। ए, तेरा पति जेल गया था, वापस आ गया क्या? आने में 5 साल लगेंगे। हाँ। क्या रे? आजा आजा। और टीचर जी, बच्चे ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं ना? हाँ हाँ। क्या कर रहे हो फ्री? उधर वो लोग मेरी धुलाई कर रहे थे और तू यहाँ पर इश्क लड़ा रहा था। ये सब करने के लिए फेस चाहिए होता है। धो क्या पहले चेहरा, चल उधर। चल चल, तेरे लिए भी एक आएगी, टेंशन मत ले। बेवकूफ। ये क्या ऊपर नीचे देख रही हूँ मुझे? पट्टे, यहाँ औरतें आती जाती है और तू चड्डी में खड़ा है? तुझे यूनिफॉर्म नहीं दिया है क्या? तू मुझे मार क्यों रही है? ये कौन सा तरीका? अरे चल, चलती बस से नीचे फेंक दूंगा तुझे। मुझे फेंकने वाला कौन है? क्या हुआ, बस खरीदने वाला है क्या? हाँ, टिकट चाहिए ना, तो बोलना कहाँ जाना है। ये क्या कर रहा है, मेरे बाल को टकला करने को बोल रहा है? अच्छा, तू टकला होने जा रहा है, पर कहाँ जा रहा है? पहाड़, विभूति, हाथ, फरसा। अच्छा, पल्ली मलाई कार्तिक जा रहा है, तो इतना बैंड होके क्यों खड़ा है? सीधा खड़ा हो जा। अब क्या है, पल्ली मलाई कार्तिक जाके तू बड़ा बेचने वाला है? बड़ा नहीं बेचना है। अच्छा, बड़ा वाला, ओ बड़े वाले मंदिर जा रहा। अरे कितनी अच्छी बात है, तू गूंगा है लेकिन फिर भी सबको समझा दे। चल जा अंदर, चल जल्दी चल। अरे बाप रे, इन लोगों को झेलना बहुत बड़ा काम है। अरे अब क्या हो गया तुझे? अंदर आने के बाद बकाया पैसा दोगे ना? हाँ मिल जाएगा। तू तो बोल सकता है, तू मुझे परेशान क्यों कर रहा था? इतनी देर तक बस रुकवा के तू अपने आप को क्या समझता है रे? तू हमारे बारे में क्या सोचता है? सोचना क्या तुम्हारे बारे में? हमारी बस पहले जाएगी, पता है ना? हाँ हाँ। फिर तू सवारियां क्यों चढ़ा रहा है? अरे मैंने कहा चढ़ा, वो खुद ही चढ़ गए, बल्कि मुझे तो नीचे उतार दिया उन्होंने। झूठ मत बोल। पता है हम लोग कौन है? कौन हो तुम? इस बस के मालिक है। अच्छा, इस एक बस के तुम तीन मालिक हो? तुम्हारी शक्ल से साफ नजर आ रहा कि तुम पैसेंजर्स की जेबें काटते होंगे, कोई क्यों जाएगा तुम्हारी बस में? तुझे हमारे बारे में पता नहीं है, समझा? ए, ये देख, किसी की पोटी जैसा लग रहा है। अच्छी कौवे की पोटी। देखा तुम लोगों ने, कौवा भी तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानता है, उसने तुम्हारे चेहरे पे पोटी कर दी। एक चाट के देख रहा है, एक सूंघ के देख रहा है, कैसे लग रहे तुम लोग? क्या हुआ पार्टनर? दोस्त, अगर तुम टाइम पे नहीं आते तो ये मेरी यही सवारी बना देते। अब क्या हुआ? अगर ये मुझे पहले पता होता तो लेट आता यार। हाँ, मतलब तुम मुझे बचाने नहीं आया? मुझे और कोई काम धंधा नहीं है क्या? बस सही टाइम पे निकल रही है कि नहीं, ये देखने आया था। अच्छा, तेरे से अच्छे तो वही लोग थे, अब क्या हुआ? ये तेरे साथ काम करता है ना? हाँ, तो देख इसकी यूनिफॉर्म कितनी परफेक्ट है, ट्राउजर पहन के टिकट निकालता है। अरे देखा ना, आज इन्होंने मेरी पैंट उतार दी, बाकी दिन ये लोग नंगा करके टिकट लेते हैं मुझसे। ये देख सारे, ये खुद देख मेरी यूनिफॉर्म। जी जी जी, कितने दिन से नहीं धोया इसको? पिछली दिवाली को तो धोई थी। ए, अभी तक बस निकली क्यों नहीं? गुंडे मामा आई नहीं ना? ओए, उस महारानी के लिए पूरी बस रोक दी, कंपनी का नाम खराब करेगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ दोस्त? वो जल्दी ही आती होगी ना। कौन? वो सुपर ओनर भाई, वो आ गई। अब ये यहाँ पे चल क्या रहा है? अबे क्यों मारा बता? बत्तला गुंडू चली गई? वो चली गई,
मामा। अबे वहाँ नहीं, घर पे गई वो। घर पे गई? अच्छा। अरे यार भाई, रात को मेरी बीवी पिक्चर देख के आ रही थी तो आपने उसे ये टार्च दी थी, वापस करने आया हूँ। एक नंबर का लापरवाह है तू। गांव के बारे में जानता है फिर भी अपनी बीवी को रात में अकेले भेजता है, क्यों? तू कोई कलेक्टर का काम करता है जो तेरी नौकरी चली जाती? आज के बाद मैंने उसे अकेले देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? चल निकल। अरे इज्जत से तो बात कर लेता। अरे क्या इज्जत देना है? मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो बोलूंगा बुरा मत मानना। हाँ तो फिर ऐसी बात ही मत करना। रात में उस लड़की के साथ अच्छा बर्ताव किया और उसे टॉर्च दे दिया, अब इसके साथ बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मुझे पता था कि ये सुबह टॉर्च देने आएगा, इसीलिए मैंने उसे दिया था ताकि मैं उसकी खबर ले सकूं। लगता है कलेक्शन आ रहा है। हे राजा आ रहा है तो उससे जरा शादी की बात करना, समझ गया ना? ए बंदर, क्या कर रहा है अंदर? सीट खोल रहा हूँ। सीट क्यों निकाल रहा है? तुमने बोला था उतरते वक्त सबके हाथ में सीट होनी चाहिए, इसीलिए खोल रहा हूँ। मैंने इस सीट के बारे में नहीं बोला था, कंडक्टर की सीट के बारे में बोला। चल अंदर। कुछ बोला तो कुछ और काम करते हैं, किसी काम के नहीं है। आ जा बेटे, इनसे मिलो, ये काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। किस बात के लिए? बोलना। वो क्या है कि बेटा सिंगापुर से कल मदी आ रहा है। आपने उसकी शादी पक्की कर दी ना? शादी की बात सुनते ही उसने अगली फ्लाइट से अपनी टिकट बुक करा ली। घर में शादी है, काम बहुत है। तुम एक काम करो, एयरपोर्ट जाकर उसे लेकर आ जाओ। आप चिंता मत कीजिए, हम उसका फुल केयर करके लाएंगे। मैंने जो कहा था वो बोल। अरे बोलना, पूछता हूँ ना राजा। मैंने अपने बेटे मदी के लिए जो लड़की देखी थी उसकी सगाई करवाई, लेकिन उसने किसी बात के लिए मना नहीं किया। उसी तरह तुम भी अपने पिताजी का कहना मानो और शादी कर लो और अपना घर बसाकर खुशी से जियो। मैंने यही कहने के लिए कहा था तुझसे। मैम साहब के जितने भी दोस्त हैं और जहाँ जहाँ वो जाती है, हमने हर जगह देख लिया मगर वो कहीं नहीं मिली। लगता है छोटी मालकिन कहीं सिटी में नहीं है। अगर आप पुराना माने तो एक बात कहूँ, हम लोग उनकी रिपोर्ट पुलिस में लिखवा देते हैं। नहीं, मैं अपने आप पे भरोसा करता हूँ। वो कहाँ तक जाएगी मैं देख लूंगा। निकल गए हाथ से, अब क्या करेंगे? भाग गए। अरे एयरपोर्ट आ गया क्या? रुक रुक रुक, गाड़ी रोक, रुक। भाई मदी अब तक फ्लाइट से उतर गया होगा। मदी को देखने कौन है? मैं तो एयरप्लेन देख रहा हूँ, तू भी कैसे बात करता? हाँ बोल। अभी तक यही झक मार रहा है तो क्या करूं मैं? हाँ चलो चलो, गाना का आज का दुश्मन आज का, चल चल आ जा जल्दी। अरे वो टीचर आ रही है, उससे पूछते हैं ना। अबे पांचवी फेल, क्या बक रहा है? हाय एयर होस्टेस से ही है। एयर होस्टेस मतलब क्या हुआ? प्लेन में चाय कॉफी पानी सब करती है ये। अच्छा इसका मतलब आया है क्या? तुझ जैसे चिंदी के साथ कहीं जाना ही नहीं चाहिए। चुप। ए मदी के बाप को फोन करके आता हूँ। अरे इतनी छोटी बातों में क्यों टेंशन ले रहा है? हेलो, मैं राजा बात कर रहा हूँ, चेन्नई एयरपोर्ट से बात कर रहा हूँ। क्या क्या मदी ने फ्लाइट मिस कर दी है? हाँ आ रहा ना वो। अरे यार यार देख ये क्या है? ए पुलिस वाला कुत्ता। क्या बोला रे तू? पुलिस को कुत्ता बोला? वही तो, एक ऑफिसर को तो कैसे बोलना चाहिए का? मारो इसको। अगर दोबारा तुझे इधर देखा तो अंदर कर दूंगा। ठीक है ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। ये अंदर क्या कर रहा है? ए सुन, क्या बोला था मैंने तुझे? लंदन में रहेंगे, चेन्नई में नहीं। चेन्नई की हालत खराब है, पता है ना चेन्नई में कितनी गर्मी है?
फ्लाइट से उतरते सारे हाथ पैर काले हो गए। और मैंने क्या कहा था, स्विट्जरलैंड से सीधा अमेरिका चलते हैं, वहाँ 10 दिन घूमेंगे, मौसम एकदम ठंडा है, तूने बात ही नहीं मानी। अरे तो अभी भी क्या बिगड़ा, वो मेरा मैनेजर कहाँ है? कुमार, उसको बोलो फौरन स्विट्जरलैंड का टिकट बुक करे। अरे उसके बस की बात नहीं है, तू इससे बात करके देखना। हाँ हेलो, हाउ आर यू? ओह, कहीं अभी पुलिस वाली तो नहीं है? ए, वो मुझे इस तरह घूर क्यों रही है? पैसे देके पूछना। Excuse me. आप ही राजा है ना? हाँ मैं ही हूँ। ये सप्पा और ये ओना है ना? आप लोग मदी के फ्रेंड्स है ना? हम वही है। वैसे आप कौन? मैं हम अकेले में बात कर सकते हैं क्या? मतलब मुझसे बात करनी है? बोलिए क्या कहना, यहीं पर कहिए। मेरा नाम प्रिया है, मैं सिंगापुर में काम करती हूँ। मैं और मदी एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? लव? हाँ, आपके बारे में बताया था उसने। हमारे प्यार के बारे में चेन्नई में मेरे पापा को पता चल गया है और उन्होंने मुझे लौटने को कहा। मदी ने कहा था कि वो मेरे साथ आकर पापा से बात करेगा, लेकिन वो आया नहीं। अरे दोस्त, इससे पीछा छुड़ाने के लिए वो वहीं रह गया और इसे यहाँ भेज दिया। उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कैसी बात कर रहा है तू? है वो ओपनली बोल रही है वो मदी की गर्लफ्रेंड है और तू उसको नहीं छोड़ने की बात कर रहा है? मैं मदी की बात कर रहा हूँ, इसे छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो फिर ठीक है। अगर मैं अभी घर वापस गई तो पापा मेरी शादी किसी और से करवा देंगे और फिर आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं ये नहीं जानता मदी उस फ्लैट में क्यों नहीं आया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो आपको चीट नहीं करेगा। मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। दोस्त, ये बेचारी दूसरे देश से आई है, हम एक काम करते हैं, इसको अपने गांव में ले जाते हैं, इसको वहाँ गेस्ट हाउस में ठहरा देते हैं, जैसे ही मदी आएगा आमने सामने बैठ के फैसला कर लेंगे। अरे इतनी मगजमारी क्यों करें हम? कुछ नहीं होगा, हम मैनेज कर लेंगे। हाँ आइए। ठीक है, जो करना है करो। क्या बात है, आइए। अरे ये कौन बेवकूफ लोग हैं, सामने आके गाड़ी खड़ी कर दी। ये मेरे पापा के भेजे हुए हैं। पापा के भेजे हुए? क्यों? चलो पता करते हैं। ये बाप रे। हाँ तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? नहीं पता। उस लड़की को मेरे हवाले कर दे चल। जो मुझ पर यकीन करता है मैं उसका यकीन कभी तोड़ता नहीं। हम इतने सारे लोग हैं, तुझको डर नहीं लगता है क्या? असली मर्द से डर सकता हूँ, तुम जैसे हिजड़ों से नहीं। अरे बहुत बोलता है ये। देख, कभी खून देखा तूने? जिसे खून की जरूरत होती मैं खून देता हूँ, और तुझ जैसे गटर के कीड़ों का खून निकाल लेता हूँ। देख तू दिखने में तो स्मार्ट है, तू चाहेगा कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूं? नकली हाथ लग सकता है, नकली टांग लग सकती है, लेकिन नकली मुंडी नहीं लग सकती। बाप रे, क्यों नहीं लग सकता? खुद ही जान ले। तुम दोनों चाहो हेल्पिंग कर सकते हैं। अरे अरे कैसी बात कर रहे हो, हम ये छोटी मोटी फाइट के लिए नहीं जाते हैं। जब तक 100-150 लोग नहीं हो तब तक हम मैदान में नहीं उतरते। Oh my!
रात नशीली मस्त शबा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त शबा है, रात नशीली मस्त शबा है, वाह 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 वाह, आज नशे में। ए, तुम लोग यहीं रुको। अरे क्या हुआ? आउट हाउस में शायद कोई नए वॉचमैन को रखा है। प्रिया को यहाँ रखा है, ये बात अगर इसको पता चली तो ये सबको बता देगा, इसलिए जब प्रिया अंदर जाएगी तो वो प्रिया को देख ना पाए। अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम एक मिनट। अबे क्या कर रहा है तू? ए कौन रात में 12:30 बजे छत पर पत्थर फेंक रहा है? रात के 12:30 बज गए। चला जा। इसे लेकर जा जल्दी। आइए। तूने इसको वॉचमैन बोला? हाँ क्यों? अरे दिमाग खराब कर चुका है ये, बहुत बड़ा लॉटिंग की बात है। उतर रहा है, नशा उतर रहा है, इस गरीब को एक क्वार्टर दे दो भगवान, एक क्वार्टर दे दो। ये फिर चालू हो गया? अरे सुन ना, तेरे पास क्वार्टर है क्या? ला दे। एक ही क्वार्टर है हम दोनों के लिए। अबे दे ना। अरे नशा उतर रहा है, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। हे भगवान, दे दिया क्या? साथ में पानी भी दे दो मिक्स करने के लिए। अरे तू नीट पी ले तो फिर उठाओ मुझे। पालन हरता गणपति बप्पा, पालन हरता गणपति बप्पा, धन्यवाद गणपति बप्पा। ना जैसे इसका नशा उतरे ना, इसे फिर से पिला देना। सप्पा, मदी के आने तक इसकी दारू उतरनी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, हम लोग देख लेंगे। अच्छा प्रिया, तुम अंदर जाओ, सारी तैयारी हो गई, मैं सुबह मिलता। अरे जवान लड़की को अकेले छोड़कर जा रहे हो, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, सप्पा तुम्हारे साथ रहेगा। ओह माय गॉड, अब तो और भी डर लग रहा है। अरे हम लोग अभी भी छोटे बच्चे की तरह ही हैं, छोटे बच्चे क्या करेंगे। जाओ जाओ, आप बिंदास होके सो जाओ, जाओ। तू बच्चा है क्या? अब क्या क्या मुसीबत आ गई जो पंचायत बुलाने की जरूरत आ पड़ी? ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं उससे प्यार करता हूँ, अब उसकी शादी मदी से हो रही है, ये अन्याय नहीं है? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसी बातें कर रहे हो। क्या हम लोग इसकी शादी जबरदस्ती मदी से करवा रहे हैं? हाँ, मदी के माँ बाप ने इसकी मर्जी जानने के बाद ही ये रिश्ता तय किया है। तू उससे प्यार करता है लेकिन उसके दिल में तू तो नहीं है ना? जब तू उसके दिल में नहीं है तो पंचायत जबरदस्ती तुम्हें नहीं मिलवा सकती। जाओ जाओ, चलो अपना काम करो। खुद की औलाद की शादी नहीं हो रही और यहाँ पर दूसरों की पंचायत करने बैठे, क्या तुम्हें पंचायत का हक है? चलो सब लोग। अरे एक बात सुनो, तुम यहाँ भी जाते हो वहाँ तुम्हारी बेइज्जती होती है। बस से शुरू हुआ था मामला और पंचायत में बेइज्जती हुई, फिर भी तुम लोग इतनी शान से कैसे घूम लेते हो? मेरे दोस्त की बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती, और जो मेरी बेइज्जती करता उसे मैं छोड़ता नहीं हूँ। क्या करोगे? कौवे ने पूरा छींचा लेदर कर दिया। ये डिफरेंट ग्रीन कलर में है। अरे कौवे को जुलाब हुआ है और वो तेरा सर शौचालय समझ के रोजाना पोटी करता है। अरे इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है? आज के बाद इस गांव में नजर मत आना, चल जा जा। मैं तुझे बाद में देखूंगा। देख लेंगे। कौवे और गधे की पोटी जानने के लिए एक साइंटिस्ट रखा हुआ। चल चल रे, चल गधे चलो। बस बस ठीक से खा बेटा। अगर मेरा बेटा सही होता तो कोई भी मुझ पर उंगली नहीं उठाता। अपने काम से मतलब रखना चाहिए, दूसरों के मामलों में टांग अड़ाओगे तो देखो ऐसा ही होगा। सुबह ही तुम्हारा प्रवचन शुरू हो गया। यहाँ मत चिल्लाइए, पंचायत में पूछा था तो वहाँ चिल्लाते ना। अरे क्या बोलता मैं, क्या जवाब देता वहाँ? सच ही तो कह रहा था, इकलौती औलाद की शादी कहाँ करवा पा रहा हूँ, सब इसकी वजह से हो रहा है। क्या करता मैं, क्या जवाब देता उसको? तू बता, मैंने बचपन से आज तक तेरी हर बात मानी है कि नहीं मानी है? कभी तुझे नाराज किया? मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, इज्जत करता हूँ, प्यार करता हूँ, लाखों बार तेरी मन्नत कर चुका हूँ, दूसरे लोगों के जरिए भी बात की है, पर तेरे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बता तू शादी करेगा या नहीं? अरे क्या हुआ, हाथ धो रहा है? अरे क्या हुआ, तू घूर क्या रहा है? अरे कहाँ जा रहा है, जवाब तो देता जा।
कैसा बेटा पैदा किया है तूने? देख रही क्या कर रहा है? तू उसे समझाती क्यों नहीं? बाप से ज्यादा माँ की इच्छा होती है कि बच्चे की शादी हो। मैं पूछ कर थक गई हूँ। बार बार पूछने से अच्छा हम चुप ही रहें तो अच्छा है। चुप रहूँ? क्यों चुप रहूँ? इसका मतलब वो जिंदगी भर कुंवारा रहे? मैं भी देखता हूँ उसकी जिद रहेगी कि मेरी। अरे दोस्त। राजा। हाँ, क्या हुआ? अरे वो मदी गांव में आ गया है। कब आया? आज सुबह ही। अच्छा, और वो जब भी गांव आता है हमसे मिलके ही घर जाता है, लेकिन आज पहली बार वो बिना मिले ही घर चला गया। प्रिया के बारे में उसे पता चल गया है? प्रिया के बारे में? हाँ। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, आओ। चलो, चलो। मैं चश्मा पहन रही हूँ, मुझे कोई नजर मत लगाना। अरे रे रे, ये चश्मा तो तुम पे सुपर लग रहा है माँ। और पापा, ये तो मैं आपके लिए ही लाया हूँ। जी भर कर मार लो। हाँ, थोड़ा सा और मारो, थोड़ा सा और। आप बोलो, कौन सा गाना सुन रही हो? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा, अब सुनाई देगा। अब सुनो। तेरा दिमाग खराब हो गया है? कोई आदमी मेरे कान में चिल्ला रहा है तो मैं कैसे सुनूंगी? इतना अच्छा गाना बज रहा है और आप कह रही कि कोई आपके कान में चिल्ला रहा है? कमाल करती हैं आप। अरे बाप रे, इसका घर तो पूरे रिश्तेदारों से भरा हुआ है, उसे बाहर कैसे लाएंगे? उसके लिए मेरे पास एक आइडिया। क्या है? प्रिया हमारे साथ है, उसे इशारे से बता देंगे। सुनिए, अभी शादी का कुछ सामान लेना भी बाकी है। आप लोग आपस में झगड़ा मत करना, सबको मिलेगा। अरे राजा, तू कब आया यार? अभी आया। क्या राजा, तू ऐसे बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आना। हाँ, आजा यार। अरे संभल कर, गिर जाएगा यार। तुम लोग भी सुधरोगे नहीं। चल बैठ जा। क्या हुआ, दो दिन लेट क्यों आए? अरे ऑफिस में इंस्पेक्शन था यार, बस इसीलिए लेट हो गया। बकवास। मेरे लिए क्या रख? तेरे लिए परफ्यूम। एक बात ये बता, तू जब भी बाहर से आता है परफ्यूम लेके आता है? हम लोग तुझे इतने गंदे नजर आते हैं क्या? अबे मुफ्त में जो मिल रहा है ले ले, दोस्त से मिलना बड़ी बात है ना। मदी, चलना बाहर चलते हैं, थोड़ी धमाल मस्ती करते हैं। यार यहीं बैठकर बात करते हैं। अगर यहाँ बात करेंगे तो ओरिया होगा, बाहर होगी तो प्रिया होगा। हाँ भाई, बाहर ही चलते हैं ना। ए, आपस में क्या गप्पे मार रहे हो? इतने दिनों के बाद मेरा पोता घर आया है, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम लोग जाओ अपना काम करो। इसे तभी धक्का दे देना चाहिए था। हाँ यार, शादी के बहुत सारे काम है, आराम से फ्री होकर बात करेंगे ना। अरे ये क्या, शादी होने के बाद प्रिया के बारे में बात करेगा? ये किसकी शादी की बात कर रहा है? इस तरह घुमा फिरा कर बात करेंगे तो ये समझेगा नहीं। हाँ, बात करना। मदी, तू भी शादी कर रहा है? लड़की है यार, मम्मी पापा सामने है। ए, तू ही समझा। अरे मम्मी पापा है तो उस लड़की का क्या करेंगे? हाँ, लड़की क्या यार, मेरी तो शादी होने वाली है, तुम लोगों में से कोई पटा लो ना। ए दोस्त, मेरी बात सुन, इसको अगर हम लोगों ने यहाँ मारा तो सब लोग देख लेंगे रे, तो इल्जाम हम पे आ सकता है। इसको बाहर ले जाके धोते हैं। तो बाहर आ जा। बाहर चल, बाहर। हम अभी आ रहे हैं। आ जाना। अबे जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। एक नंबर का गधा है यार। अरे इसको किडनैप कर लेते ना। पर कैसे किडनैप करेंगे? अरे तुम लोग डिस्कवरी चैनल नहीं देखते हो क्या? वो कैसे जानवरों को पकड़ते हैं। डिस्किया, वही। अब देख मेरे निशाने से कैसे वो मदी बेहोश हो जाता है। अभी दिखाता हूँ तुमको निशाना। कर फायर कर। अरे रे ससुर जी। अरे उल्टे चमगादड़, मैंने मदी को मारने बोला था, तूने उसके बाप को ठोक डाला। अरे तूने तो बोला मार मार मार। अरे सॉरी यार, दूसरा मारने के लिए वो है क्या? अबे दूसरा वाला। हाँ तो चिल्ला क्यों रहा है? देख मैं इसीलिए तो एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ। हाँ तो लगा ना। अरे चल शूट करना। अरे क्यों यार, अब शूट कर। अरे रुक तो जा। आया आया आया। शूट शूट शूट। अबे फिर से रॉन्ग नंबर। आजकल दिल्ली में मच्छर काटने लगे हैं। अबे इतना बड़ा इंजेक्शन घुस गया और कह रही है मच्छर ने काटा। देख दोस्त, अगर इसको तोप से भी मारेंगे ना तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसकी बॉडी कुछ ऐसी है। ए, तुझे कैसे मालूम? अरे अरे, मैं मेरा मतलब था ये ओल्ड मॉडल है, मैं भी कहना क्या चाहता हूँ, मुझे क्या निकल कब आएगा वो? अरे मुझे क्या पता, वो आएगा। जाने जा ढूंढता फिर रहा। अबे भाग रहा है, ठोक उसको। अरे कहां से मारूं मैं, दो लेके आया था और वो दोनों के दोनों खर्च हो गए। तू का
अबे च्यवनप्राश जैसी शक्ल वाले, चल चल। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। हे देख दोस्त, उसका सुर देख। चुप बैठ, नहीं तो मारूंगा। अरे बोरी किस लिए? मैंने कहा ना चुप बैठ, तेरे पे भरोसा करके कोई फायदा नहीं। मुर्गी कैसे पकड़ दे, देखा मेरा कभी? यही तो काम है। चल अभी पता चलेगा, तू ही कर। चल हाँ, ये देख क्या निशाना लगाया मैंने। अबे गधे, तेरा यही तो काम है ना, चल चल। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है। Cheers. बाकी बाद में पीऊंगा। अरे संभाल के, वन पीस में ले जाना इसको। अबे कितने झटके दे रहा है। अरे रख रख रख। ये क्या है? घर का राशन नहीं है। देखती जा, गोनी खुलते ही तो शौक हो जाएगी। हाँ, और सिर्फ शौक ही नहीं होगी, इसे देखकर उछलने कूदने लोगों की खुशी के आंसू समझ में नहीं आ रहा। अभी देखो, निकल निकल, खड़ा हो जा। क्या? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे बोरी में डाल दिया? तूने घर पे जैसी एक्टिंग की थी ना, यहाँ पे मत कर। यहाँ पे सिर्फ सच बोलना पड़ेगा। देख मदी, हम लोग 10-15 साल पुराने दोस्त हैं, इसलिए तुझसे शराफत से बात कर रहा हूँ। क्या रे, इतना प्यार करने वाली लड़की को धोखा दे रहा, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? मैंने किसको धोखा दिया? सिर्फ तेरे लिए अपने माँ बाप, भाई बहन, मामा मामी सबको छोड़कर यहाँ आई। देख जरा उसको, कितनी भोली भाली लड़की है ये लड़की। ए, तुमको जरूर कोई गलत फहमी हो गई है यार, मैं इस लड़की को पहली बार देख रहा हूँ। तू कह रहा है कि तूने इसको पहले कभी देखा नहीं, और देख इसको, ये सर झुकाए खड़ी है। कितना गिरा हुआ इंसान है तू, ए समझा इसको। अरे मैं तुमको कैसे समझाऊं यार? देख जो तू समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। देख लड़की कितनी खूबसूरत है, ये क्या मुझसे प्यार करेगी? अगर इसे प्यार करता तो इतनी खूबसूरत लड़की छोड़ के उससे क्यों शादी करता? एक बार तो सोच, तुझसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर यार, अगर ये लड़की सच में मुझे प्यार करती तो अब तक ये लड़की मेरे पास आकर मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी होती। इसके चेहरे पे खुशी की एक झलक नहीं है। देख कैसे ये लड़की मुंह बना के खड़ी है। क्या तू सच कह रहा? देख बड़ी मुश्किल से मेरी शादी तय हुई है। इस शादी के लिए मेरे घर वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अब मेरे बारे में गलत खबर फैलाकर मेरी शादी मत तोड़ो यार, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। हैं? ये हमको न्यूज वाले समझ रहा है क्या? हाँ वही तो। अब इतनी बड़ी गाली। तूने झूठ क्यों बोला? कौन है तू? सुन रही है? हम सबको बेवकूफ क्यों बनाया? बराबर तो पूछ रहा है ना। चुप क्यों है? यहां क्यों आई है तू? बोलना बोलना। सुनाई नहीं देता? अरे प्रिया, प्रिया! अरे यार, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? प्रिया, ओना सपा, इधर आ, मदद कर दे। मुझे तैरना नहीं आता है। आए वो बचा लेगा, चल भागते हैं। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये देखो, प्रिया, प्रिया! Hmm?
अरे बच गई है तो, अगर इसे कुछ भी हो जाता ना तो पुलिस हमें पकड़ के बुरी तरह से धोती। अरे आज के बाद दोबारा कभी इसे किसी कुएं बावड़ी के पास मत लेके जाना। अरे क्या हुआ, और तुम कौन हो, कहां से आई हो, किस लिए आई हो, ये तो बताओ। मेरे पापा के लिए प्यार से बढ़कर पैसा है, इसलिए वो एक शराबी से मेरी शादी करवाने पर तुले हुए हैं। इस महीने की 17 तारीख को उन्होंने मेरी शादी फिक्स कर दी है और कार्ड्स भी बच चुके हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं वहां से भाग गई। एयरपोर्ट पर आप बात कर रहे थे तब मैंने आपकी बातें सुन ली और झूठ कह दिया। अरे वाह, तुमने जिस स्टाइल से झूठ बोला उस पे कोई डाउट या शक कर ही नहीं सकता था। अब मैं जो भी कहूंगी आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, पर आपने पूछा इसलिए बता दिया। आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रही हूं। अच्छी बात है, जाइए। पूछ से कहां जा रही है? आप कहां जा रही हैं, पूछ रहे हैं। और कहां जाऊंगी, यहां बहुत से कुएं हैं ना। है? क्या कहा, वापस से कुआं ढूंढ रही है? अरे क्या हुआ, तुझे हमारी खुशी दिखाई नहीं देती, इसलिए तू आज के बाद कोई कुआं तालाब बावड़ी नहीं ढूंढेगी वरना पुलिस हमें पकड़ लेगी। अरे हमारे बारे में भी जरा सोच ले। मुझे रोकिए मत, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस आने वाली 17 तारीख तक सुरक्षित रहने के लिए जगह चाहिए। ए सपा, चल इसे अपने साथ लेके चलते हैं। क्या होगा, क्या होने वाला है, किसको पता। घर पर ताला लगा है, माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है क्या? क्या बोल रही है तू? ये सब जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। क्या हुआ, अंदर आओ ना। पहले दाया पैर अंदर रखूं क्या? क्या कहा, अरे तू कौन सा इस घर की बहू बन के आ रही है, कोई भी पैर रख के घर के अंदर चलिए, बस अंदर आ जा। कैसी कैसी बातें करती है, आ जाओ अंदर आओ। तुम इस रूम में रहना। ये आपका रूम है? देखो छोटी छोटी बातों के लिए सवाल जवाब मत करो, ठीक है ना। आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ। ए सपा। हाँ क्या हुआ? मैकेनिक के पास जाना है, चल चलते हैं, आ जा। हाँ ठीक है दोस्त। हेलो हम जा रहे हैं तो तुम यहाँ पर संभल के रहना और ये ताला लगा लेना, चाबी अपने पास रख लेना। जब हम आएंगे दरवाजा खटखटाएंगे तभी खोलना। कहाँ से आई है, क्यों आई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में जगह दे देना काफी है क्या, दिल में जगह कौन देगा। तुम आखिर कब समझोगे कि ये सारी तकलीफें मैं तुम्हें पाने के लिए उठा रही हूँ। कुएं से बचाना काफी नहीं है, अगर तुम मुझे सच में बचाना चाहते हो तो सिर्फ एक बार आई लव यू कह दो। अगर ऐसा नहीं कहा तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। 50-60 साड़ियाँ देखने के बाद ही एक पसंद करते हैं ना, और आप मुझे ऐसे ही बुला कर ले आए। शादी साड़ी के दुकानदार से करवानी चाहिए। धीरे से बंद कीजिए, दरवाजा तोड़ेंगे। अरे क्या? चुप रहे, गाड़ी तेरे बाप ने दहेज में दिया क्या? ठीक है अंदर चलिए। उम्र के साथ इंसान को बदलना चाहिए, लेकिन आप तो बिल्कुल नहीं बदले। अपने बाप के घर से मैं खाली हाथ नहीं आई थी, 50,000 रूपए और 6 एकड़ जमीन लेकर यहाँ आई थी। गांव के सरपंच की लड़की से शादी की होती तो पूरा गाँव मेरा हो गया होता। छोटी सी चीज के लिए इतना बड़बड़ कर रही है। तुम कौन हो? मेरे घर में आकर मुझसे ही पूछ रहे हैं, आप लोग कौन है बताइए। वो मैं तो इसके सामने क्या हम कर रही है, बोल रहे हैं चुप रहिए ना। अरे चुप रहिए, बातचीत कर रहे हैं, चुप रहिए। आप लोग हैं कौन? चुप रहिए, चल। कौन है आप लोग? वो मैं क्या बोलूं, इधर कोई राजा करके रहता है क्या? हाँ वो यहीं रहते हैं। क्या बात है बताइए मुझे। राजा के कोई माँ बाप नहीं है, वो सब जानने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा वो कुछ शादी की बात की थी? शादी के बारे में? उन्हें शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे वाह, ये बात तुम्हें भी पता है। उसने लड़की ढूंढने के लिए कहा था, इसीलिए हम लोग आ गए। वो लड़की ढूंढ चुके हैं, आप लोग जाइए। क्या उसने लड़की ढूंढ ली, कौन है वो? बोलो बेटी। वो कौन है वो लड़की? दोस्त लगता है माता जी पिताजी आए। अबे कहीं कुछ बक ना दे, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? आ जाओ आइए, यही है राजा। अबे मर गए, इसका नाम राजा है, तुम्हें पता है क्या? तेरे बाप के सामने तेरा परिचय करवा रही है। पापा। क्या पापा?
मेरी फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड प्रिया? हाँ पिताजी, ये फ्रेंड है इसकी। फ्रेंड है? दोस्ती के लाते रख लिया ना। ये फ्रेंड है, तुम लोगों को नहीं पता? पता था कि आप खुद ही जान जाएंगे, इसलिए हमने कुछ नहीं बोला। ये गांव के लोकगीतों के बारे में रिसर्च करने आई है। हमारे गांव में देहाती गाने कौन गाता है? सही कहा। क्या बात कर रही हो माँ? अपना सप्पा कितना अच्छा गाता है। बापरे बाप, गाना क्या बोल रहा है, ये बहुत अच्छा गाता है। पिताजी मैं गाना गाता हूँ। ठीक है गा। आज सुना तो मैं अपनी कहानी बताऊं या दुख भरी कहानी बताऊं या कुएं में जो गिरा की कहानी। ज्यादा शाना मत, जब ये रिसर्च शुरू करेंगे ना तब गा ले। ठीक है, रिसर्च के लिए ये एक हफ्ता यहीं रुकेगी। एक हफ्ता क्यों, पूरे महीने रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पिताजी। इनको मेरी तरफ से थैंक्स। हाँ, देखा, थैंक्स लेटर भेज रहा है। वो माँ क्या है कि कुएं के बगल। माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था आप उनके मम्मी पापा हैं। चलो पता चल गया कि हम उसके माँ बाप हैं। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया, आप ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं? मैंने तुमसे पूछा क्या? ज्यादा चिल्लाइए मत, कान फट जाएंगे। मैं हमेशा समझाता हूँ, लेकिन तुम सुनती नहीं हो मेरी बात। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनोगी, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। आप लोग इतना झगड़ा क्यों करते हैं? अरे बेटी, जब से हमारी शादी हुई ना, मैं कुछ भी कहता हूँ ये मेरी एक भी बात नहीं सुनती। 25 साल से चल रही है। 25 नहीं 26 साल हो गए। पता चल गया ना हमारे बीच झगड़ा क्यों होता है। मैं 25 बोलूंगा तो ये 26 बोलेगी, मैं 27 बोलूंगा तो ये 28 बोलेगी। प्रिया बेटी, तुम ये सारे खेत देख रही हो ना? यहाँ के सारे खेत मेरे। क्या कहा, हमारा नहीं बोल सकते क्या? आप कभी सुधरेंगे नहीं। जब मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूँ तो कहता हूँ मेरी बीवी है, हमारी बीवी नहीं कहता। ओ, ओ, खेती और बीवी एक ही जैसी होती है। चुप रहेंगे? तुम चुप रहो, मैंने कहा ना चुप रहो। बेटी प्रिया, वो पेड़ तुम्हें दिख रहा है? हाँ। ये हमारे कुल देवता का स्थान है। अच्छा। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? आपके कुल देवता के मंदिर की ऐसी हालत क्यों? अरे बेटी, जब ये हमारा ख्याल रखते तभी तो हम इनका भी ख्याल रखते ना। ये हमारी बात सुनते कहाँ है? हम दोनों तरस रहे हैं। एक औलाद है हमारी, उसकी शादी करवा कर पोता पोती देखने की हमारी इच्छा नहीं है क्या? कितनी प्रार्थनाएं की, कितने व्रत उपवास रखे, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। सुन लीजिए, जब मेरे बेटे की शादी होगी ना, तभी आपकी पूजा, पुनर्स्थापना, अभिषेक वगैरह होगी, और तब तक कुछ नहीं करूंगा। ये उस उम्र में क्या कर रही हो? आप इससे कुछ पूछने वाले थे ना। मैं मर्द हूँ, मैं कैसे पूछ सकता हूँ? एक बार तुम ही पूछ कर देखो ना, पूछो ना। नहीं, आप ही पूछे ना। क्या पूछना है? ऐसा कुछ नहीं है बेटी, हमने अपने बारे में तो तुम्हें सब बता दिया, तुमने अपने बारे में नहीं बताया। नहीं नहीं नहीं, ये सब मुझसे मत पूछिए, अगर गलती से भी कहते हो तो। क्या गलती से? मैं आप लोगों से कुछ भी कह सकती हूँ, पर हमारे बीच जो प्यार है उसके बारे में कहने से मना किया है। क्या प्यार? अरे देखिए, मैंने कह दिया ना, गलती हो गई। हमारे बीच प्यार व्यार कुछ नहीं है, ऐसे ही मुंह से निकल गया। मैंने जो कुछ कहा आप भूल जाइए। अरे बेटी, छुपा क्यों रही हो? तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो तो मैं गुस्सा थोड़ी करूंगा, बल्कि खुश होऊंगा। देखो, अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है तो हमसे कह सकती हो, हम दुश्मन थोड़ी हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में एक बहू आए जो इसे सास कहे, मुझे ससुर कहे, हमारा सपना पूरा हो। अरे कहाँ है वो लड़का, चल चल चल। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। मना किया है क्यों? आप दोनों हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं ना, ये देखकर उन्हें शादी के नाम से भी नफरत हो गई है। सुन लिया तुमने, तुम्हारी वजह से हमारा बेटा कितना डर क्या गया मतलब? है इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ तो क्या मैं हूँ? तो मैं हूँ। तुम हो जिम्मेदार इसकी, मैं कह देता हूँ। नहीं, तुम हो इसके जिम्मेदार। देखो बेटी, अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ नहीं, पता है मैंने उन्हें शादी के लिए कई बार पूछा लेकिन नहीं माने, इसलिए मैं यहाँ आ गई। लवर कहकर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए पर फ्रेंड कहा। अब आप लोग जाकर उनसे बात करेंगे तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप दोनों झगड़ना बंद कीजिए, धीरे धीरे उन्हें समझा बुझा कर मैं शादी के लिए किसी भी तरह मना ही लूंगी। तू बिल्कुल सही कह रही है, आज के बाद झगड़ा नहीं करेंगे ना? तुम झगड़ा मत करना। मैं आज के बाद मुंह ही नहीं खोलूंगी। जमाई लेने के लिए मुंह खोलो। आप भी ना? हाँ मैं भी। देखा बेटी, हम में कितना प्यार है। जब मेरे माँ बाप बोलते थे तो मैंने उनकी बात कभी नहीं मानी, पर आज ये सब करना पड़ रहा है। मत करो, बस चलते जाओ। मेरी हालत ऐसी होगी इसलिए बड़बड़ा रहा हूँ। क्या हुआ? अरे शुरुआत में ही सर में लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ अपशगुन होने वाला है, मैं जा रहा हूँ। कोई अपशगुन नहीं होगा, चुपचाप काम करो। हे भगवान मेरी रक्षा करना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुतनामा।
अरे नहीं, रुक 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 रुक। क्या हुआ? अरे जरा उधर तो देख, उस दिन तूने इस लड़की को फ्रेंड कहा था ना, आज ये हमारे फ्रेंड को पकड़ के मंदिर की साफ सफाई करवा रही। देख, इसको ये करने की क्या जरूरत है? तेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए तेरे माँ बाप ने ये मंदिर छोड़ दिया था, और अपना ये फ्रेंड बेवकूफ जो कभी नहाता धोता नहीं है, वो आज इस लड़की के साथ मिलके इस जगह की साफ सफाई कर रहा है, तो कुछ तो वजह होगी ना। ये सब क्यों हो रहा है, जल्दी से इस बात का पता लगा के आ जा, जा। हाँ, इसे कहते हैं आग में घी डालना। कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के इस मंदिर में अभिषेक करवाना बाकी है। हे भगवान, सबकी रक्षा करना। हे इधर आ। अरे बाप रे, इधर आ। अबे भागो, ये सब क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये सब? तू सफाई कर रहा हूँ तो तू गुस्सा कर रहा है, सफाई नहीं कर रहा हूँ तो ये गुस्सा करी, क्या करूँ? चल जा। ए, मैंने कहा था ना हमारे काम में दखल अंदाजी मत करना। नहीं, वो ससुर जी। तुम्हारे ससुर? नहीं, आपके पापा ने आपकी शादी नहीं हो रही इसलिए इस मंदिर की देखभाल बंद कर दी थी। हो सकता है उनकी प्रार्थना भगवान ने ना सुनी हो, लेकिन मेरी प्रार्थना भगवान जरूर सुनेंगे इसलिए। नमस्ते। ये मेरे ऑफिस में काम करती है। कैसे तुम? बहुत बहुत बधाई हो। नमस्ते। आइए आइए आइए। क्या मामा, सब नए नए चेहरे दिख रहे, कौन है ये सब? ये लोग मधी के फ्रेंड्स हैं जो सिंगापुर से आए हैं, इसीलिए इतना धूमधाम से रिसेप्शन रखा है। स्टिल फोटोग्राफर किधर गया? ए, जल्दी से फोटो खींच। अरे हाँ, इधर इधर, मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हूँ। सुन, जरा अच्छा सा पोज आना चाहिए सबका। क्या रे, शादी हो गई इस बात से तुम लोग खुश हो क्या? सुहाग रात कैसे होती है, मैं भी देखता हूँ। यार क्या हुआ, उन्हें देख रहा है? उस दिन इन लोगों ने शादी में आकर हंगामा मचाया था, अब रिसेप्शन में आकर ये झगड़ा करना चाहते हैं। तू जल्दी से पुलिस को फोन कर। अरे छोड़ ना पुलिस को, देख मैं इनसे कैसे निपटता हूँ। तू निपटेगा? ए, वो तेरा कचूमर निकाल देंगे। अरे इनसे बड़ा हथियार है अपने पास। अच्छा अच्छा, अब देखिए कैसे भागते नजर आएंगे। क्या हुआ, इन लोग भी यमराज है? चंदन लीजिए। नहीं नहीं नहीं, पहले मेरी बीवी को लगाओ बेटी। पहले आप लीजिए। अरे मैंने कहा ना पहले तुम नहीं, लगाओ। पहले आप लीजिए ना। अरे झगड़ा करने के टाइम पे झगड़ा करते हैं, और अगर साथ मिल गए तो ज्यादा करीब आ गए। पहले तू ले। चंदन थोड़ा सा लेना हाथ धोने के लिए। अरे, 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 क्या अरे, हुआ अरे। बेटी तू उदास क्यों? ये है? क्या पूछ रहे हैं, ये भला कैसे खुश रहेगी? हमारे साथ प्रिया आ रही है ये सुनकर राजा ने आने से मना कर दिया ना। अरे राजा किधर जाएगा, वो आ जाएगा बेटी, तू चिंता मत कर। ऐसा नहीं है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, पूछेंगे कि मैं कौन हूँ तो क्या कहूँगी। अरे तू भी ये कैसी बात कर रही है, चिंता मत कर। अरे भाई कहा था अब तक? अरे सुनो, तुम्हें पता है ये कौन है? मेरी बहू है। ए बुड्ढी, तुझे पता है ये कौन है? मेरी बहू है। ब्लू साड़ी, पता है कौन है? मेरी बहू है। तुझे पता है ना कौन है? मेरी बहू है। हमारी बहू नहीं कह सकती क्या? बातें बाद में करना, अभी चलो। चलो चलो चलो, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। जहाँ बात कर रही है प्रिया, 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 क्या हुआ तुम्हें, क्यों बार बार सुसाइड करना चाहती हो? आप गलत समझ रहे हैं, आपकी बचाई जान को खत्म करने का अधिकार अब मुझे नहीं है। दरअसल मुझे ये ताजी हवा, ओस, फूल मुझे बहुत पसंद है। इस खूबसूरत प्रकृति को देखती हूँ तो मुझे अपनी पढ़ी हुई कविताएं याद आती हैं। अभी भी मुझे एक कविता याद आ रही है, तेरे छूने से लगा मुझे जैसे कलियों की क्या पर तेरे छूने से ऐसा लगा जैसे कलियों की बरसात हो गई हो। ये कविता आपको कैसे पता? ये मेरी लिखी हुई कविता है। सच में? पता है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी हर लिखी हुई कविता मैंने पढ़ी है,
आप सच में बहुत अच्छा लिखते हैं। कविता को चाहना, कविता के साथ जीना, ये मेरा बीता कल है। वो बीता कल, वो सुनहरे पल, मैं कैसे भूल सकती हूँ। लता तुझे एक बात पता है? क्या बात है सुबू? हमारे मामा उस लड़की के बीच में ऐसा ऐसा है। ऐसे ऐसे का क्या मतलब है? ऐसा ऐसा मतलब ऐसा ऐसा ही। ऐसा ऐसा का मतलब लव है, है ना? ए, तुम सब लोग ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हारे और राजा मामा के बीच ऐसा ऐसा है ना? ओ, मेरे और राजा के बीच ऐसा ऐसा है? हाँ दीदी। तो फिर गांव में जाकर सबको बता दो कि हम दोनों के बीच ऐसा ऐसा है। ठीक है, बोलते प्रिया राजा मामा के बीच ऐसा ऐसा है। ए, मेरी बात सुनो। हाँ। तुम्हें एक बात पता है क्या? क्या बात है? हमारा राजा है ना? हाँ। वो प्रिया है? हाँ, ना क्या हुआ? दोनों में ऐसा ऐसा है। ऐसे ऐसे का क्या मतलब है? ऐसा ऐसा मतलब ऐसा ऐसा। हाँ। ये खेकड़े की तरह क्या कर रहा है तू? समझा नहीं क्या? तू राजा, वो प्रिया, तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा पूरे गांव वाले बोल रहे हैं। क्या है रे यार, तूने मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया है? बताता हूँ, इधर। हाँ हाँ बोल। समाज के सभी लोगों की सहमति से ये तय किया गया है कि क्रिनल वेली कदरेशन का बेटा राजा चेन्नई के मणिकम की बेटी प्रिया के साथ सगाई करने जा रहा है, और इस अवसर पर हम सभी देवी देवताओं और पूर्वजों से ये अनुग्रह करते हैं कि ये इन्हें आशीर्वाद दें और सभी उपस्थित लोग इनके आगामी दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि की कामना करते हुए इन्हें शुभकामनाएं प्रदत्त करते हैं। ये लीजिए रस्म की थाली, रस्म पूरी कीजिए, लीजिए कन्या की गोद ले लीजिए। किससे पूछकर कर रहे हैं आप ये सब? किससे पूछना है हमें? मैं कह रहा हूँ किससे पूछना है, इसके लिए हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? सुन लो, सगाई और शादी की तारीख हमने तय कर दी है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। तुम जिस लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहते हो उसी को हम लोग अपनी बहू बना रहे हैं। मैंने आपसे कभी भी ये बात नहीं कही। बस रहने दो, हम सब समझते हैं, बहुत हो गई एक्टिंग। तू इस लड़की से शादी क्यों नहीं करना चाहता, ये वजह भी हमें पता है। माँ ये सब? बेटी तू परेशान मत हो, तूने जब इस घर में कदम रखा था ना तभी मैंने फैसला कर लिया था कि तू इस घर की बहू बनेगी। तू हिम्मत करके बोल ना, सबको बता दे कि इसने तुझसे प्यार किया है, बोल दे। पहले तुमने ये झूठ कहा कि मती तुमसे प्यार करता है, फिर ये झूठ बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने कहा था कि 17 तारीख तक तुम्हें एक महफूज जगह की जरूरत है, अब क्या परमानेंटली यहाँ घुसने का इरादा है? उसके लिए झूठ बोलना जरूरी था? धोखा खाई हुई हो यह सोचकर मैंने रहम किया, अब मैंने प्यार में धोखा दिया यह कहकर इन लोगों की हमदर्दी हासिल कर रही हो? कुछ और कहकर बेवकूफ बनाया तो माफ कर देता, लेकिन प्यार का नाम लेकर जो गाली दे रही हो मुझे, उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं कहा, यह सच है कि आपने मुझसे प्यार किया है। आपने मुझे और मेरी हर पसंद को अपनाया है। मैं आपके दिल में नहीं हूँ ये मुझे पता है, लेकिन मैं आपकी नजर के सामने और आपके करीब हर वक्त रहती हूँ। नहीं समझे ना? छोड़ो, इसे छूने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, निकलो यहाँ से, जाओ, उठाओ अपना सामान। प्रिया,
तुमने अपने भगवान से अच्छी तरह प्रार्थना की। थैंक्स। ये करके तुम्हें रुकना नहीं है, ठीक है? 40 दिनों तक तुम्हें कंटिन्यू ऐसे ही करना है, तभी तुम्हें अच्छा पति मिलेगा। समझ गई ना? अब मैं क्लास में जाऊं? गुड गर्ल। हेय, इन्हें सैल्यूट नहीं करोगी? सॉरी। हाँ, कल से बिना बोले इन्हें सैल्यूट करना। नाम क्या है? कर्ड राइस। कर्ड राइस? हाँ यार, तुझे पता नहीं है, इसने मेरा नाम रखा है, प्रिया महालक्ष्मी। इसकी हिम्मत तो देखो। ये नाम मैंने खुद नहीं रखा, मेरे पिताजी ने रखा है। तो तेरे बाप की इतनी हिम्मत? तुमने जो इसका पेट नेम रखा है वो अच्छा है। दोनों के नाम एक जैसे हो तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, इसलिए मैंने इसका पेट नेम सोचा है। ये कॉलेज में हमेशा कर्ड राइस लेकर आती है, ऐसा मेरे सूत्रों से पता चला है, इसलिए अच्छा सा मुहूर्त देखकर मैंने इसका नाम रख दिया है कर्ड राइस। क्लास में जाऊं? जाओ, लेकिन ब्लैक बोर्ड की तरह पीट करके बैठना। कोई अमाउंट फिलअप नहीं किया? आपको जितनी जरूरत हो आप खुद ही फिलअप कर दीजिए। भाई, मैंने अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए कर्ज मांगा था और आप खुद मेरे घर आके ब्लैंक चेक दे रहे हैं। आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा समझ नहीं पा रहा हूं भाई। सबसे पहले तो आप मुझे ये भाई भाई कहना बंद कर दीजिए। मैं और आपकी बेटी प्रिया दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको पता है ना? ये बात है तो फिर मैं आपको भाई नहीं कहूंगा। हाय डैड। आओ बेटी, कौन आया है देखो। हाय प्रिया। हाय। हाय बेटी, हमारी कार खराब है, उसे गैरेज में देने वाला हूं, तुम भवानी के साथ चली जाओ। अरे सोच क्या रही हो, जाओ जाओ बेटी, कम ऑन। ओके, लेट्स गो प्रिया। See you, uncle. Good day. Thank you. Come on. Hi, hi boss. Bye. Hi. Hi. Hello. Hey, Priya. कॉलेज आए हैं इसका मतलब हाँ क्लास में ही जाएं, जरूरी नहीं है, और भी तो जगह हैं। कार में आई हूँ इसका मतलब तुम कुछ और मत समझना। हाथ छोड़ो मेरा। ए, रिलैक्स प्रिया, रिलैक्स, रिलैक्स। मेरा हाथ छोड़ोगे या नहीं? छोड़ दूंगा प्रिया, डोंट गेट एंग्री यार, फिर से पकड़ूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। इडियट। क्या भवानी भाई, लड़की तो बहुत बोल रही है। बोलने दे, और कितने दिन बोलेगी? उसके बाप को ब्रैकेट में ले लिया। क्या मतलब? तू नहीं समझा? नहीं, उसका बाप तो लाइन पे आ गया है, कुछ दिन के बाद वो भी आ जाएगी। प्रिया बेबी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो ना। वो क्या है कि तुम अक्सर ही राजा की लिखी हुई कविताएं पढ़ती रहती हो, आखिर इन कविताओं में ऐसा क्या है? मैं जिन चीजों को दिल से पसंद करती हूँ वो उन चीजों को महसूस करके लिखता है। सारी कविताएं ऐसे लगती हैं जैसे मेरे लिए लिखी हैं। इन कविताओं को लिखने वाले राजा से मिलने की इच्छा है, पता नहीं ऐसा कब होगा। प्रिया। हाय प्रिया, प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तू नहीं आ रही? स्टेज म्यूजिक के लिए हमारा कॉलेज सेलेक्ट नहीं हुआ है, कोई फर्स्ट आया है इसलिए वो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं, और दूसरे कॉलेज का लड़का गाना गाने वाला है, इसमें मैं क्या करूं? यहाँ कोई और लड़का गाने वाला नहीं है, तेरा राजा ही गा रहा है।
थैंक यू। हेलो, मैं आपकी फैन हूँ, आपकी लिखी हुई सारी कविताएं पढ़ी है मैंने। आपकी सारी कविताएं बाय हार्ड हैं। अपनी कविता को इस तरह से गाकर आपने आज मेरा दिल छू लिया। आई लव यू। आपका नाम क्या? प्रिया। लिया था राजा, प्लीज 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 राजा, उसके कहने पे ही मैंने तुम्हें यहाँ रहने की जगह दी है, लेकिन तुमने मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई है। सॉरी, आज से तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सर, आखिर बात क्या हो गई? अरे इनको छोड़ो, ये ऐसी पहेलियों में बातें करते हैं। वैसे मैंने सुना तुम बहुत अच्छा गाते हो। ये बात तुमने हमसे छुपाई ना, इसीलिए मैंने थोड़ा ड्रामा किया। और तुम कॉलेज कंपटीशन में फर्स्ट आए हो, ये मेरी बेटी ने बताया। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू आंटी। ओके, हाँ, जाके आराम करो। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल। हाय सपा, क्या कर रहा तू? मच्छर मार रहा हूँ। क्या रे दोस्त, तू इसको लगातार इतना घूर घूर के देख रहा है, अगर इसके पिताजी ने देख लिया ना तो उसी वक्त तेरा सामान बोरिया बिस्तर उठा के बाहर फेंक देंगे। अच्छा एक बात बता, क्या नीचे वाले घर में एक लड़की एक है ना? नहीं दो है। अबे उस मोटी वाली मामी है ना, उसकी बेटी की बात कर रहा हूँ। हाँ बोल, मुझे पता है। उसकी कॉलेज में गया था ना, हाँ? तो उसने मुझे मेरे गाल पे किस कर लिया। उस लड़की ने? हाँ बे, किस कर लिया? अरे हाँ यार, थोड़ी तो शर्म कर, क्यों इतना झूठ बोल रहा है? लड़की खूबसूरत है तो उसकी स्टोरी बना के तू सबके सामने रिलीज कर देगा क्या? जो लड़की किसी मर्द को देख के हवा की तरह गायब हो जाती है वो तुझे किस करेगी क्या? अरे तू मेरी बात समझ। क्या समझू? हाँ यार, अरे हम लोगों को इस घर में आए कितने दिन हो गए, आज तक उस लड़की ने कभी किसी को नजर उठा के देखा नहीं है। ठीक है ना, अरे वो बहुत साइलेंट है। ए साइलेंटली आकर मुझे किस कर लिया, ये देख। क्या? अरे लगता है किसी कुत्ते ने काट लिया और तू मुझे आके बता रहा है किसी लड़की ने किस कर लिया? मेरे मुझे क्यों मार रहा है तू? मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? दिस इज कविता। चलो पीते हैं। हाँ चला, क्या हुआ तुझे, रो क्यों रही है? बता ना क्या हुआ। मैं और बासु प्यार करते हैं, भवानी को ये पता चल गया। दूसरे कॉलेज का लड़का हमारे कॉलेज की लड़की से कैसे प्यार करेगा, इसलिए भवानी ने बासु को मारा। वासु का दोस्त राजा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यहाँ आ रहा है। भवानी के बारे में वासु को कुछ नहीं पता, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तू घबरा मत, आज के बाद भवानी क्या कोई भी तेरे और तेरे प्यार के बीच में नहीं आएगा। तेरी कॉलेज में पढ़ने वाली माला मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले वासु से प्यार करती है और वो जल्दी ही शादी करने वाले हैं। प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत करना। लेट्स कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज? ही वॉन्ट्स कॉम्प्रोमाइज। हे टकलू, ही वॉन्ट्स कॉम्प्रोमाइज। ओके भवानी, कॉम्प्रोमाइज। यू वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज? ओके देख भवानी, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मेरे पास कॉम्प्रोमाइज। राजा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कूल कूल कॉम्प्रोमाइज। हाँ क्या कर रहे भवानी? आजा 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 आजा, ये देख कॉम्प्रोमाइज चाहिए तुम्हें। Oh!
माँ बाप भी प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकते। तू कौन होता है बे लुक्खे? अगर दोबारा किसी के भी बीच में कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉलेज में कोई दिखाई नहीं दे रहा। ए मोहन क्या हुआ? बाय भाई, बहुत हो गया, चलते हम। ए मारिया, ए तू अपनी मर्दानगी मुझे मत दिखा। अगर इतना ही दम है ना तो राजा के सामने जाकर दिखा। क्या कहा, प्रिया का दिल जीतने वाला? हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, प्रिया भी तो उससे प्यार करती है। तो ये हम लोगों को बोल रहा है? आज तक प्रिया पर हंसने वाले को इसने छोड़ा है क्या? तो चुप करना। प्रिया राजा कहाँ रहता है मैंने पता लगा लिया। कहाँ रहता है? वो कर्ड राइस है ना उसके घर के ऊपर। कर्ड राइस के घर पर किराए पर? ए कर्ड राइस, गुड मॉर्निंग। रहने दो। तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरी माँ, एक मामा, एक मामी और एक छोटा भाई है। इतने ही लोग रहते हैं। मुझे राशन कार्ड नहीं बनवाना है जो तू पूरी फैमिली रिपोर्ट दे रही है। तुम्हारे घर में किराए पर कौन रहता है? अच्छा वो लोग? हाँ। वो दो लोग हैं, कौन है मुझे नहीं पता, पर हाँ मेरी माँ ने रखा है। क्या, तेरी माँ ने उन दोनों को रखा है? नहीं, भाड़े पर रखा है। उन दोनों में से एक का नाम राजा है ना? मेरे घर के माले पर रहने वाले का नाम मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको पता है। ये उनकी कविता की बुक है। ओ, उनका बुक आपके पास आ गया? ये कविताएं उन्होंने लिखी हैं। ओहो, वो कविता लिखते हैं क्या? ये सब जानना तेरे लिए जरूरी नहीं है। उनकी लिखी हुई कविता में जो मुझे पसंद है वो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तू जाकर ये उन्हें दिखा और उसके बाद वो क्या कहते हैं मुझे कल बताना, ठीक है? अगर कुछ नहीं बोला तो? बोले। आप बोल रही है तो सही होगा, मैं पूछ कर आती हूँ। ओके, अब मैं निकलती हूँ। सुनो, ये क्या बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? सुबह से तुम्हें देख रही हूँ, मंत्र उल्टा सीधा पढ़ रही हो,
पूरा दूध गिरा दिया, कॉफी में बहुत सारा शक्कर डाल दिया, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तुम्हें भूत ने तो नहीं पकड़ा ना? मैं अच्छी हूँ, तुम अंदर जाओ। हाँ। चल। हे, दरवाजा खुला, अंदर आ जाओ ना, क्यों ठक ठक करके परेशान कर रही हो? आना है तो चुपचाप अंदर आ जाओ। तू ऐसे क्यों डरी? क्या मैं राक्षस दिख रहा हूँ? आपको आपको देखकर नहीं डरी हूँ, ये देखकर डरी। विदाउट ड्रेस मुर्गी देख के डर गई क्या? वैसे इसमें डरने की क्या बात है? कैसे खाते हैं आप लोग? अरे नहीं, ये सब मैं नहीं खाता हूँ। वो क्या है ना कि मेरा एक सर्वेंट है, उसने कहा उसे खाना है, अब मैं क्या बहुत अच्छा पकाता हूँ, बस इसलिए बना रहा हूँ उसके लिए। अरे मेरे पास ऑलरेडी 5 स्टार होटल में काम करने का एक्सपीरियंस है। चिकन 65, 85, 95, 2000 और 2002। क्या 2002? हाँ, ये लेटेस्ट है ना, जिसे मैं तैयार कर रहा हूँ। आप दोनों में से राजा कौन है? राजा मैं ही तो राजा हूँ। हाँ, और मेरा पूरा नाम है देई सिंह राजा। क्या? देई सिंह राजा? हाँ, नाम तो वही है, लेकिन लोग शॉर्ट में मुझे राजा राजा बुलाते हैं। राजा, स्वीट नेम। अरे रे 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 रे, तुम्हारी जबान से सुन के तो मुझे मेरा नाम और भी अच्छा लग रहा है। ये आपकी लिखी हुई है? मेरी लिखी हुई है। हाँ, मेरी लिखी हुई होगी। खोल कर देखिए ना। अरे मैंने इसे लिखी है तो मैं इसे खोल के दिखूंगा तो क्या होगा? हाँ, पर फिर भी देखिए। ऐसा क्या? मेरी प्यारी प्रिया। ओ, तुम्हारा नाम प्रिया है, ये बात मुझे पहले से ही पता थी। कैसे? वो जब तुम्हारे माँ बाप बुलाते थे तो मैं बाथरूम में छुप के सुनता था ना। अरे अरे, ये क्या, ये कुछ अंडरलाइन किया हुआ है? मेरी लिखी हुई कविता तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? ओ, ऐसा नहीं है, जो जो लाइनें पसंद आई हैं उन्हें अंडरलाइन किया है। एक कविता दूसरी कविता को पसंद करती है? आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो क्या है ना कि मैं खुद भी अपनी लिखी कविता को इतना पसंद नहीं करता हूँ। जब मैंने ये कविता लिखी थी तब मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी, लेकिन आज इस कविता का जो फैन मिला है उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हाँ, एक और जरूरी बात, मुझे गाँव का लोकगीत गाना बहुत अच्छे से आता है, तो गा के सुनाऊं? चलो दिलदार चलो। बस हो गया, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपकी बातों से पता चला गाने की जरूरत नहीं। तो आपको नहीं सुनना क्या? नहीं। अच्छा, ये सारे डिटेल्स है ना, वो हमारे कॉलेज में प्रिया पढ़ती है ना, वो मेरी फ्रेंड है ना। तू कब आया यार? अबे मैं तब आया जब तू बता रहा था कि ये कविता तूने लिखी है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है ठीक है, अब जाओ ना, मुझे जाना है। जाइए ना। क्या रे दोस्त, अगर तू इस तरह से खड़ा रहेगा तो ये जाएगी कैसे? मुंह बंद कर, तुम नीचे झुक के निकल जाओ ना। मुझे जाना है। तो जाइए ना। हाथ हटाएंगे नहीं तो कैसे जाऊंगी? अरे ये सब बहुत ज्यादा नहीं हो गया? अरे तुम निकल जाओ जल्दी से, जाओ 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 जाओ। ए बुकला चल। बहुत बड़ी फैन है ना? रहने दे, उसको ये कविता जहां जहां पसंद नहीं है उसने पेन से मार्क कर रखी, देख ले। अच्छा? हाँ, और क्या। ये पागल मुझसे इतना जलता क्यों है? बाय, सी यू। सुकून से देखने भी नहीं देता। बॉल मारने तक तू ऐसे ही रहेगा, मुंह मत खोलना। गुड मॉर्निंग। मैं उनसे मिली, उनसे बात की, और आपने जो बुक दिया था वो भी दे दिया। ए, तुम लोग हटो हटो हटो। हाँ, तुम चल बैठो ना, इसे इतनी इज्जत दे रही है। बताओ क्या? हाँ ठीक है ठीक है। पानी पानी? हाँ, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? थैंक यू सो मच। तो वो बुक देखकर क्या कहा उन्होंने? आपने जो अंडरलाइंस की थी ना, वो देखकर वो शॉक हो गए, और मुझे सच में उनके अंदर एक महान कवि की प्रतिभा दिखाई दी। उन्हें कविता लिखते वक्त इतनी खुशी नहीं हुई जितनी उनकी कविता को एक कविता ने पसंद किया। एक कवि को तब भी ज्यादा खुशी होती है जब उसकी लिखी कविता को कोई दिल से पसंद करता है। ये उन्होंने कहा। और एक मेन मैटर है, उनका पूरा नाम है देई सिंह राजा। क्या कहा? डैशिंग राजा? पर उनको राजा ही बुलाते हैं।
और एक बात, वो खाना बनाने में एक्सपर्ट है। जैसे हमारे कॉलेज के मार्क्स होते हैं ना, चिकन 65, 85, 95, वो सब बनाते हैं। फिर प्रिया को कोई चिंता ही नहीं, वो ही बना कर खिलाएंगे। ए, मुझे बात करने दो, और भी बहुत बातें बतानी हैं। उन्हें गांव का लोकगीत गाना बहुत अच्छी तरह से आता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे बोलो। और क्या बोलूं? आगे हम लोग बात करने ही जा रहे थे, तभी एक गोरे लंबे लड़के ने आकर हमें डिस्टर्ब किया। वो कौन है? बताऊंगी तो पहचान जाओगी। उस दिन वो हमारे कॉलेज में आकर धूम मचा रहा था ना, वही लड़का है। यू इडियट, वही राजा है। तू किसके साथ जाकर बात करके आई है? देई सिंह राजा। एक काम कर, तू वापस जा, उन्हें ये बुक दिखाना और चोरी से उनकी एक फोटो उड़ा कर ले आना। अरे नहीं नहीं, मुझे उड़ाना नहीं आता। अरे रे रे, उड़ाने का मतलब चोरी करके लेकर आना। इतना ही नहीं, वो किससे प्यार करता है, शादीशुदा है या नहीं, सारी डिटेल्स लेके आ। इस बार अगर कोई भी गलती हुई ना तो देख लेना, उसके जैसा उल्टा खड़ा करूंगी। उसने तो पैंट पहनी हुई है, तुम पता है ना क्या पहनती हो? तुमने ग्रेविटी के बारे में तो सुना है ना? जाओ। ठीक है। बेवकूफ कहीं की। हाय। मिस्टर देई सिंह राजा नहीं है? देई सिंह राजा, ये नाम तो पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुना। नहीं, वो कल मैं यहाँ बात कर रही थी ना उनसे, वो काले लंबे से। ओ, सप्पा। सप्पा? अच्छा वही ना, जिसकी शक्ल बिल्कुल मेंढक जैसी है, उसी सप्पा की बात कर रही है ना? अच्छा, कुछ भी नाम हो, वो नहीं है क्या? लेकिन तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? आपके सारे डिटेल्स मुझे उनसे पूछने हैं। मेरे डिटेल्स तो मुझसे पूछो ना। हाँ, पूछूंगी तो आप गलत नहीं समझेंगे? नहीं, पूछो। प्रिया, यही है ना तुम्हारा नाम? हाँ, प्रिया ही है, लेकिन कॉलेज में मुझे कर्ड राइस बुलाते हैं। बैठो। बैठो बैठो। आपका नाम राजा है क्या? आपका गांव कौन सा? त्रियनन वैली। त्रियन वैली, हाँ मैं लिख लेती हूँ। हाँ, आपके भाई बहन हैं? नहीं, मैं इकलौता। ओ, माता पिता गांव गए हैं क्या? आपको घर में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मेरी माँ करती है। माँ बहुत लाड़ करती है। हाँ, इकलौता हूँ ना। पिताजी क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनकी। ओह, ऐसा है। आप नॉन वेजिटेरियन हैं क्या? कल तक मैं नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन अब वेजिटेरियन बनना चाहता हूँ, क्या कहती हो तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी शादी हो गई? हाँ? आपकी शादी हो गई है क्या? अगर हो गई होती तो सप्पा का बेस्वाद खाना खाकर अपने मुंह का स्वाद बिगाड़ता। हाँ, ये भी सही है। क्या आप किसी से लव करते हैं? करता। किससे? ये बताना जरूरी है क्या? हाँ, यही तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए, कर्ड राइस। बड़े दुष्ट हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ए मनोहर, जरा इधर आना। क्या बात है मैडम? मेरी बेटी प्रिया को बहुत तेज बुखार हो गया है, तू जाके मेडिकल स्टोर से उसके लिए दवाई ला देगा? देखिए, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी एक मैटर है। कल रात को मेरे और मालिक के बीच में मैटर हो गया, अब छोटा मैटर का बड़ा बन जाए क्या पता। तुझे बुला के मैंने गलती की, अब तू जा सकता है। मैडम, मैटर मैटर होता है, छोटा हो या बड़ा हो, मगर मैटर तो होता है ना।
इसीलिए कह रहा हूँ कि आप मेरी बात मानो, हर एक मैटर को पूरी अहमियत दिया कीजिए, चाहे मैटर वो छोटा हो या फिर चाहे बड़ा हो। तेरा मैटर। आंटी, अब प्रिया को क्या हुआ? मैटर ये है कि ओहो, इससे बात करके मैं भी पागल हो गई हूँ। प्रिया को तेज बुखार है, मैं दवाई लेके आती हूँ। ठीक है आंटी। प्रिया? हाँ, अरे बाप रे, घर के अंदर भी आ गया। प्रिया, अरे भगवान, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ए प्रिया, आप इधर क्यों आए हैं? आंटी बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मेरी तबीयत खराब होने की वजह आप ही हैं। मैं हूँ? हाँ। बताओ कैसे? डर के मारे मुझे बुखार हो गया है। ए दही चावल, डर निकल जाएगा तो बीमारी भाग जाएगी। उसकी जरूरत नहीं है, आप पहले बाहर जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाइए। सवेरे ही ऑफिस चले गए? अभी तक आप गए नहीं। अच्छा, घर पे कोई नहीं है क्या? पता नहीं। दुष्ट। ए प्रिया। अरे अरे, रुको रुको रुको, तुम्हें तो बहुत बुखार था और तुम भागती हुई आ रही हो, इतनी जल्दी ठीक हो गई? मैंने इसे दवाई दे दी। तुमने दवाई दे दी? हाँ, बहुत अच्छा काम किया। मुझे भी बुखार जैसा लग रहा है, मुझे भी दवाई दो। ये क्या कर रही हो? अरे क्या हो गया? सुनो तो प्रिया, आप ना मार खाने वाले। हाय, गुड मॉर्निंग। वो सब छोड़, तेरी राजा से बात हुई? तो टेंशन मत ले, जल्दी से बोल। वो बोलूंगी तो गुस्सा मत करना। नहीं, जल्दी बोल। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे गलत मत समझना। ठीक है। बात यह है, जब मैं उसे मिलने गई थी ना। ओहो, ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी, बोल ना। जब मैं माले पर गई थी ना, उनका घर बंद था, वो शायद गांव चले गए हैं। माता पिता के पास। कब आएंगे वो? एक दो तीन चार पाँच छः सात दिन लगेंगे। कोई बात नहीं, आने दो उन्हें। तो मैं निकलती हूँ। गुड मॉर्निंग। प्रिया, क्या है ये? अपना हर काम तो खुद करती है, तो प्यार के मामले में तू कर्डराइस की मदद क्यों ले रही है? तू राजा से खुद मिलके अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं कर देती? अगर मैंने उन्हें सामने से पूछा और उन्होंने मना कर दिया तो? इस कॉलेज में सिर्फ प्रिंसिपल और प्यून को छोड़कर बाकी सारे लड़के तुझ पर मरते हैं। कौन है जो तेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करेगा? राजा के गांव से आते हैं तो उससे बात कर ले। ओके ओके। आई जी की टोपी चोरी हो गई। अरे रे 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 रे, चोरी करने के लिए अब ये चीज मिली? अरे अब क्या हो गया तुझे? कहा ना ठूस ठूस के मत खाया कर। ये वैसी वाली वॉमिटिंग नहीं है। तो फिर कौन सी वॉमिटिंग है? मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। सुनिए, मैं बच्चे को गिरा दूंगा। तू ये बात मुझसे क्यों पूछ रही है? देखने वाले मुझे गलत समझेंगे। ये जाके अपने पति से पूछना। उनसे कैसे पूछ सकती हूँ? वो जिंदा तो है ना? हाँ है, यहाँ थोड़ी ना, वो 5 साल से दुबई में बैठे हैं। 5 साल हो गए? वाह, क्या फैमिली है। इससे पहले कि अपना बच्चा गिराए, मुझे कंपाउंड खाली कर देना चाहिए। वो हॉस्टल में रहकर पढ़ रही है। क्या मामी, मंदिर जाके आ रही हो? हाँ बेटा, भगवान के दर्शन करके। क्या आ रहे दर्शन हैं? करके आ रही हो? प्रसाद लाई हो तो दे दो प्रसाद। क्या हुआ तुम्हें? पप्पी की आवाज से मुझे बहुत डर लगता है। सॉरी, चल मुझे माफ कर दीजिए। पप्पी की आवाज सुन के इसे डर लगता है? ये क्या चक्कर है? अरे ओ दोस्त, इधर आ। तू कोई बहुत बड़ी रील तो नहीं घुमा रहा है? तू उस लड़की के कॉलेज में गया था ना, और तूने ये कहा कि उसने आके तुझे किस की थी? क्या रे, वो प्रिया पप्पी का नाम सुन के कांपने लगती है, डरने लगती है, रोने लगती है। तू कितना झूठ बोलेगा रे? ये ले, आज के बाद तू मुंह में चुंगम रखा कर, ये बहुत काम आएगी। अगर हम लोग जरा भी होशियार ना रहे तो ये लोग हमें कभी भी बेवकूफ बना सकते हैं। राजा, ए, ये तो मुझे ऐसे छोड़ के जा रहा है जैसे मैं इससे बात ही नहीं कर रहा था। चल बेटा, सुबह से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मिलने के लिए। एक जरूरी बात करनी है। यहाँ पास में ही एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुला है, अगर तुम उसे ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। मैंने खुद एप्लीकेशन दिया है तुम्हारे लिए। अंदर आओ, बताता हूँ।
एक ही किस में बबल्स आ गए। ये मेरी दीवी चिंगम थी ना, और ये शिफ्ट हो गई है। अरे शिफ्ट हो गई है। अरे ये बात मैं किसको बोलूं, क्या हो रहा है इस घर में। देश में आतंकवादियों की कमी है क्या? हाँ, जो तू आतंकवादी बन के आ गई। आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बात करेंगे, लेकिन मुंह पे ये जो लगा रखा उसे निकालो, फिर बात करेंगे। अगर ये निकाल दूंगी तो आप मुझे बात नहीं करने देंगे, इसलिए ये लगाया है मैंने। अगर तूने ये नहीं हटाया तो मैं यहाँ किस करूंगा, यहाँ किस करूंगा, यहाँ किस करूंगा। किस करने के लिए बहुत सी जगह है। हम जो कर रहे हैं वो सही है क्या? तू अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है? तुझे हुआ क्या है? जब भी मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आती हूँ तो आप मुझे बात ही करने नहीं देते। मुझे बहुत डर लग रहा है, इतना कुछ होने के बाद अगर कुछ और हो गया तो। एक चीज होगी और वो है हमारी शादी। यकीन कर लूं? अगर मुझे यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करता क्या? ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाकर बात करता हूँ। सपोज उन्होंने शादी से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊँ। भागोगी ना मेरे साथ? जाइए। आप बहुत जल्दबाजी करते हैं। पहले देखना चाहिए, बात करनी चाहिए, आई लव यू कहना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ होना चाहिए ना। और आप है कि। अरे पगली, तुझे देखते ही तुझे अपना बनाने का फैसला कर लिया था मैंने, समझ गई? अब तो खुश है ना? आजा। ये कौन है ये लड़की, बड़ी खूबसूरत है। ए फ्लावर, कौन सी कॉलेज की है? मत्ते, कॉलेज बता दे। तुम्हें क्या करना है? इडियट। वाह लड़की, क्या मस्त बोली तुमको, ऐसे ही बोलना चाहिए, मजा आ गया। चुप रह, कुछ भी बोलता है। एक्सक्यूज मी जी, मिस्टर राजा थर्ड ईयर फिजिक्स स्टूडेंट से मिलना है। आपका नाम? प्रिया। अच्छा प्रिया जी, आप वेट कीजिए, मैं बुलाता हूँ उनको। ए मामी, मामी रुकना। अरे रुकने के लिए बोला ना। मामी रुक जाओ कह रहे हो? मैं कोई मामी नहीं हूँ, मेरा नाम प्रिया है। ऐसा क्या, कौन से कॉलेज में? सेंट जोसेफ। इधर क्यों आई हो? राजा से मिलना है। हमारे राजा से? पर क्यों? ऐसे ही फैमिली मैटर है, राजा हमारे रिलेटिव हैं। क्या बोल रही है, राजा इसका रिलेटिव है? चलो ले चलते हैं इसको। चल। मिलवाते हैं राजा से इसे। राजा कहाँ है बताएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, एक जरूरी काम है। अब आइए ना। किधर? राजा उधर है। हाँ, तुम हमारे साथ आओ। हाँ, चलो चलो चलो। आ जाओ। राजा, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कह रही थी फैमिली मैटर है। एक बात बता, ये तेरी रिलेटिव है क्या? बोल रही थी कुछ फैमिली मैटर है। ऐसा भी क्या मैटर है यार? ए, तुम अपना देखो ना यार। तुम दोनों के बीच में क्या है ये तो बताओ। क्या बताऊं, ये तो बता। तुम्हारे और उसके बीच में? ओ अच्छा, ये जानना चाहते हो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? क्यों, माइक लेकर बोलना चाहिए ना, ताकि सब जान जाए। ये लोग बंदर हैं, सारी दीवारों पर लिख देंगे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए आई, मेरी किस्मत। हे भगवान, इनको अच्छी बुद्धि देना। कर्ड राइस। मैडम, राजा साहब अभी तक नहीं मिले क्या? नहीं। वो तो आकर कब के चले गए? आप कल आकर मिल लीजिएगा। हे प्रिया, क्या चाहिए तुम्हें? कर्ड राइस। यार कितना वेट करवाते हो तुम। अरे वे 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 वे। ए, उसने तुम्हें नहीं बोला, वो अपने फूड का ऑर्डर दे रहा है। हाँ, अब बताओ तुम क्या लोगी? मैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आई हूँ। तो फिर रेस्टोरेंट में क्यों आए हम लोग? सिनेमा देखने जाते हैं। ऐसे चिकनी चुपड़ी बातों से ना मेरा गुस्सा कम नहीं होने वाला। ले 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 ले। तुम गुस्से में हो, मुझे मालोगी क्या? कंप्यूटर कोर्स के लिए मेरे पिताजी ने एप्लीकेशन लिख कर दी है, ज्वाइन किया। एप्लीकेशन लिख के दिए?
तेरे बाप से ज्यादा तो तू पका रही है मुझे। इतनी जल्दी किस बात की? ये क्या बोल रहे हैं? आप जॉब नहीं करेंगे? जब हम दोनों की शादी हो जाएगी और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो नौकरी से टेंशन कम होगा, इसलिए पिताजी फोर्स कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ज्वाइन कर लूंगा, पका मत। ठीक है, ज्वाइन कर लूंगा, ज्वाइन कर लूंगा। मेरी माँ, हाय कर्ड राइस, तुम अच्छे घर की लड़की हो इसलिए दिमाग बहुत तेज है। ये क्या राजा, किसी और के प्यार के लिए हमारे कॉलेज आया था और आज खुद मेरे कॉलेज की लड़की से प्यार कर रहा है? ऑल द बेस्ट, बाय। वो वहां से हमें ही देख रहा तू है। तू उसे क्यों देख रही है? हाँ मुझे बता, तुझे खाना क्या है? मैं बोलूंगी तो हंसना नहीं। ठीक है, नहीं हंसूंगा। मुझे कर्ड राइस चाहिए। आप हंस क्यों रहे हैं? मेरी खट्टी खट्टी कर्ड राइस। ए प्रिया, यहाँ। अरे हे भगवान, आपने मुझे नाम से बुलाया? बुलाया। क्या हुआ, आज नाम से बुलाया? कर्ड राइस से बुलाती है ना, वैसे ही बुलाइए ना, वरना हम दोनों के बीच डिस्टेंस आ जाएगा। सॉरी, मैंने तुम्हें आज तक बहुत परेशान किया। ऐसे क्यों बात कर रही हैं? पहले जैसे ही बात कीजिए, तभी हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे। प्रिया, मैं बाहर से जितनी खुश और सबके साथ मस्ती करती हूँ, अंदर से उतनी ही दुखी हूँ। इतनी दुखी कि बता नहीं सकती। मेरी जिंदगी में मेरे साथ कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई, पर मेरे केस में तो वो भी बिल्कुल गलत साबित हुआ। जब 6 साल की थी तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद पापा ने मेरी देखभाल के लिए दूसरी शादी करके मेरी सौतेली माँ ले आए। अगर वो औरत नहीं आई होती तो शायद मेरे पापा आज मुझसे प्यार करते, पर उन्हें तो मतलब है सिर्फ अपनी खुशी और पैसों से। अगर अच्छे पैसे मिल गए होते तो अब तक उन्होंने मुझे भी बेच दिया होता। मेरे दुख और मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो दूसरों के सामने ना आए, इसलिए तुम जैसे डरे हुए लोगों के सामने इस तरह से हिम्मत से पेश आती हूँ। हाँ? राजा को हाय प्रिया। प्रिया, ए दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलो प्रिया। प्रिया प्रिया, क्या बात है? राजा नहीं है क्या? वो घर में कैसे रहेगा? तूने उसको देख के दरवाजा बंद कर लिया था ना, रात भर वो परेशान रहा, ना खुद सोया ना मुझे सोने दिया। अचानक उसने सोचा कि वो कंप्यूटर कोर्स नहीं जॉइन कर रहा है, इसलिए शायद तुम उससे गुस्से में होगी, इसलिए वो सुबह सुबह एप्लीकेशन लेके चला गया और अब तक वहां से लौटा नहीं है। आखिर बात क्या है? प्रिया बोलो ना। ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। सुनो, तुम मुझसे तो नाराज नहीं हो ना? समझा नहीं? नहीं। शुक्र है मुझसे नाराज नहीं है। ये
मुझे क्यों उठाया? तुम पैदल जा रही थी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए उठा लिया। नहीं नहीं, मुझे जाने दीजिए प्लीज, मेरी बात मानिए, गाड़ी रोकिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। ए, गाड़ी रोकना मत, गोल गोल घुमाते रहना। ऐसे मत बोलिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे छुए मत। अरे क्या? गाड़ी में एसी है फिर भी तुम्हें इतना पसीना आ रहा है? गाड़ी रोक दीजिए। मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, सिर्फ राजा टच कर सकता है, पर ऐसा क्यों? गाड़ी रोकिए। ए, 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 यहाँ टच करूं, यहाँ टच करूं, बता कहाँ टच करूं? कितनी हिम्मत है तुझमें, बोल। ए, और तुझे भवानी से कोई नहीं बचा सकता। हमारी खुशी में ही हम सब की खुशी है राजा, किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। बेटा तू अपनी जिंदगी बसा ले, हमने जैसा तय किया है तो शादी उसी तारीख को कर ले। बेटा जो लड़की मर गई है तू उसके बारे में इतना सोच रहा है, और ये तेरे लिए हर रोज घुट घुट कर मर रही है, इसके बारे में भी सोच। शुरुआत से ही आपका प्यार पाने के लिए बहुत कुछ सहा है, अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानती। सुनो प्रिया, क्या तुम अपना इरादा बदल नहीं सकती? मुझे भूलकर अपना घर किसी और के साथ बसा लो। नहीं होगा। क्यों? मैं आपको नहीं भूल सकती। तो मैं उससे भुलाकर दूसरी जिंदगी कैसे शुरू कर दूं प्रिया? ना मैंने तुमसे वादा किया, ना हमने कभी आपस में कसमें खाई, फिर भी तुम मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं तुमसे प्यार करूं, तुमसे शादी करूं। मैं अपनी प्रिया को कैसे भूल जाऊं बताओ प्रिया? प्यार में जो हार चाहते हैं वो दूसरों के जज्बात समझते हैं,
और तुम उनके समझती ही नहीं। से जाने के लिए कहें यह हिम्मत हम में नहीं है। प्रिया, तुझे मेरी बहू बनने के लिए उसकी हां की जरूरत है, लेकिन मेरी बेटी बनने के लिए किसी के भी हां की जरूरत नहीं है। तू यहां से क्यों जा रही है? हमारे घर चलना। कुछ दिन आपके घर की बहू बनकर रही, यही मेरे लिए काफी है। आइए आइए। क्या ये? इतनी उम्र हो गई, अकल नहीं आई? भाई साहब, वो कोई अनजान लड़की जब घर में आ जाए तो उसे पूछताछ करके उसे उसके घर वापस भेज देना चाहिए। देखिए भाई साहब, आपको असलियत मालूम नहीं है। अमीर लड़की है, अपने बेटे से शादी करवा के अमीर बनना चाहते थे। ए! अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें इसकी गलती है। इसकी खबर मैं लेता हूँ। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? मत मारिए इसे। हाथ छोड़ो। इसे मैं मारूं या कुछ भी करूं, तुम रोकने वाले कौन हो? प्रिया बेटी, क्या कर रहा है यार तू? ये सब देखकर इतना खामोश क्यों जा रहा है? इससे तो अच्छा ये होता कि उस दिन तू उसको मरने देता, ताकि वो खुशी खुशी मर तो जाती। इस तरह एक लड़की को रोते और मार खाते देखकर ऐसे चुपचाप जा रहा है क्या यार? देख, वो अपने पिताजी की भी बेइज्जती कर रहे हैं। जाना, जाके पूछना बात क्या है। अबे सप्पा, वो उसका बाप है, उसका भला बुरा जानता है। मैंने कहा चुपचाप चलो, चल, चलो। क्या हुआ? मुझे यहां देखोगी? इसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी ना? अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। देख मेरी बात सुन, जो प्रिया तेरे दिल में तू उसको भुला नहीं पा रहा ये मैं समझता हूँ, लेकिन उस प्रिया के लिए तू इस प्रिया को इस तरह इस हाल में मत छोड़ना। बात करना, जाना यार। पका मत। जाना। उसी दिन, उसी पल, उसी मुहूर्त में मैं तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊंगा। तेरी साढ़े साथी शुरू हो गई। देख मेरी बात सुन, मैं इतने सालों से तेरा दोस्त हूँ, मेरी बात तो सुन ले। मैं दोस्ती के नाते कह रहा हूँ, जाओ बचा ना। अबे कम से कम तू तो समझ। छोड़ो उसे, तुम लोग यहाँ से क्या कर रहे हो? जाओ। Oh!
तूने मेरी फूल जैसी प्रिया को कुचलकर मार डाला। आज मैं तुझे यहां से जिंदा जाने नहीं दूंगा। मेरी जान को तूने बेरहमी से मारा। उस प्रिया के मामले में मैं हार गया, लेकिन इस प्रिया के मामले में नहीं हारूंगा। राजा राजा